हेलो जनता लोग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। तो मैं मुंबई आया था श्री श्री गणपति बाप्पा के दर्शन करने, यानी कि लालबागचा राजा के दर्शन करने। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लालबाग के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं मुंबई की जान, यानी कि मुंबई की लोकल में ट्रैवल करने के लिए, और सीधे पहुंच जाते हैं चिंचपोकली स्टेशन। ये नाम आपने सुना ही होगा। हाँ, ये वही स्टेशन है जहाँ के चिंचपोकली चा चिंतामणि का गणपति बहुत ही फेमस है। तो अगर आपको भी लालबागचा राजा के दर्शन करने हैं तो सबसे नियर स्टेशन चिंचपोकली से चिंतामणि है। अब जैसे ये स्टेशन से निकलोगे, सामने ही आपको लालबाग का गेट दिखेगा। तो ये आइकॉनिक ब्रिज आपने तो देखा ही होगा, ये वही ब्रिज है जहाँ से सारे गणपति निकलते हैं मुंबई के, यानी कि लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा, चिंचपोकली चा चिंतामणि। तो गणपति बापा का नाम लेते लेते बस लाइन में हम चले ही जा रहे थे, और कब एक घंटा निकल गया हमको पता ही नहीं चला। सो फाइनली लाइन में से निकल के हम आगे बढ़े और वो लेन पे आ गए जहाँ मेन गणपति बापा की मूर्ति रखी है, यानी कि ये वाली लेन। और बापा का विसर्जन के टाइम भी यही लेन से गणपति निकलते हैं। आवर्स के धक्का मुक्की के बाद हमें फाइनली गणपति बापा के दर्शन हुए। तो आपको जब भी गणपति बापा के दर्शन होंगे तो आप सब कठिनाई भूल जाओगे कि आप किस तरह लाइन से आए हो धक्का मुक्की करके, और आप बस गणपति बापा को देखते ही रह जाओगे।